Hi guys, welcome back to my channel. So it's a new day and it's time for a new video. Today I am going to Sardhana, jo ki yahan Meerut se around 25 kilometers dur hai, and I will be going along with my husband over there. Sardhana is famous for one thing, which is the Church of Sardhana, and it is also called Basilica of Our Lady of Graces. So चर्च और बसिलिका में एक डिफरेंस होता है, विच आई ऑल्सो गॉट टू नो वेन आई वेंट देयर. सो अगर आपको जानना है कि ये डिफरेंस क्या होता है, सो यू कीप वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस माई लेटेस्ट अपडेट्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडियो, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. Sardhana is mostly famous for its cloth and timber industry, and after that the church of Basilica of Our Lady of Graces, the Church of Sardhana. According to the Mahabharata, Sardhana is also the place जहाँ पर पांडवों ने लक्षाग्रह के लिए निकलने से पहले एक महादेव के मंदिर में पूजा करी थी. We are right now going towards the Church of Sardhana, और हम एक मिनी रिक्शा में जा रहे थे, एंड दीज गर्ल्स आर लाफिंग एट मी बिकॉज उन्हें लग रहा था कि सरधना में ऐसा क्या है जो एक वीडियो बनाई जा सकती है. बट या एनी वेज, मुझे रिकॉर्ड करना था यहाँ के लोगों की डेली लाइफ. Here we are at the church. No, not the church, the basilica. And the special thing is, ये पूरा एक रोमन आर्किटेक्चर के स्टाइल में बना हुआ चर्च है, एंड ऑल्सो इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है. इस चर्च को बनाया था बेगम समरू ने. बेगम समरू वॉज बॉर्न इन द 18th सेंचुरी एज फरजाना ज़ेबुन्निसा, एंड अंटिल द एज ऑफ 14 शी वॉज अ डांसिंग गर्ल. जब फरजाना 14 साल की थी, तब एक दिन सर वॉल्टर रेनहार्ट सॉम्बर नाम के एक फ्रेंच सोल्जर ने उन्हें देखा और उन्हें पसंद कर लिया. वो फरजाना को अपने साथ ले गए. वॉल्टर रेनहार्ट के देहांत के बाद सन 1778 में फरजाना सरधना की बेगम बन गई, और उन्होंने सरधना पर लगभग 40 साल तक राज किया. जब बेगम 30 साल की हुई, शी चोज टू गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, और उन्होंने एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा अपना बैप्टिज्म करवाया और अपना नाम चेंज करवाकर जोआना नोबिलिस रखवा लिया. फ्रॉम फरजाना ज़ेबुन्निसा शी वॉज नाउ जोआना नोबिलिस द ग्रेट बेगम समरू. बेगम की हाइट केवल 4.5 feet की थी, बट शी वोर अ टर्बन एंड शी रोड ऑन अ हॉर्स बैक एज शी लेड हर ट्रूप्स टू बैटल. She was fierce and invincible. इस चर्च को डिज़ाइन किया था इटली के सर एंटोनियो रिगेलिनी ने, और चर्च को तैयार होने में पूरे 11 साल का टाइम लगा था. ये चर्च रोम के सेंट पीटर्स बसिलिका से मिलता जुलता है, बट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंडियन आर्किटेक्चर. सो गाइस, अगर आपको याद होगा तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि चर्च और बसिलिका के बीच में एक डिफरेंस होता है. दिस पर्टिकुलर चर्च इज़ अ बसिलिका बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, एंड ऑल्सो बेगम समरू ने 1800 में रोम के पोप से परमिशन ली थी
to convert this church into a basilica because of its cultural heredity and its unique architecture. A basilica is also called as the church of the churches because this is the highest church. And also another fun fact is that is duniya mein pure 1814 basilicas hai, and the basilica of our lady of graces of Sardhana un basilicas mein se ek hai, because of which it is very special. चर्च के पीछे कुछ ग्रेव्स जो आप देख सकते हैं, दीज बिलोंग टू द आर्किटेक्ट सर एंटोनियो रिगेलिनी एंड हिज फैमिली एंड सम अदर फ्रेंच एंड पोर्टुगीज ऑफिसर्स जो बेगम के वफादार थे एंड उनके बेस्ट सोल्जर्स थे. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट सो मैनी फॉरनर्स वर फेथफुल एंड इन सर्विस टू द बेगम. सच वॉज हर वैलर एंड डोमिनेंस. So guys, this is a look from inside the church. वहाँ पर कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस तो ले नहीं पाई. But here are some glimpses. This church is basically a Catholic church, which means they do believe in Mother Mary. जो Protestants होते हैं वो नहीं believe करते Mother Mary में. Behind the barrier was the main altar, जिसके अंदर एक पिक्चर है मदर मैरी एंड बेबी जीसस की. So guys, I hope that you enjoyed this video as much as I enjoyed making it. And thank you for watching. If you did till the end, do not forget to like, share and subscribe and give this video a thumbs up if you liked it. And stay tuned for my next video. Bye.